चलिए, लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 का ए हो गया था कंप्लीट, ठीक है। आज हम लोग 11 का बी देखेंगे, ठीक है। टॉपिक है फॉरफीचर इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा इस टॉपिक से, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर का इस क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए समझिए, करा मोहनी लिमिटेड इन्वाइटेड अप्लीकेशन फॉर द इशूड ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच, ठीक है। 10,000 शेयर इशूड है, एक शेयर का दाम 10 रुपया है और 10% प्रीमियम है। मतलब अगर 10 रुपया का अगर 10% निकालेंगे तो 1 रुपया प्रीमियम हो गया, ठीक है। आगे है द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन पर 4 रुपया है और इंक्लूड प्रीमियम है, यानी एप्लीकेशन के हिसाब प्रीमियम आ गया। रियल कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। ऑन अलॉटमेंट पर 4 रुपीज़ है और रिमेनिंग ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बताओ रिमेनिंग कितना हो जाएगा। 3 रुपया हो गया एप्लीकेशन पर, 4 रुपया हो गया अलॉटमेंट, 4 और 3 7, यानी 7 और 3 10, यानी 3 रुपया हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हो जाएगा। आगे है कर एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 25,000 शेयर, ठीक है। 10,000 शेयर का इशूड किया गया था ना, 10,000 में से एप्लीकेशन उधर से कितना आ गया, पब्लिक के तरफ से 25,000 शेयर का आ गया, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। कितना ओवर आ गया, 15,000 का ओवर आ गया एप्लीकेशन। आगे है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ऑफ 5,000 शेयर वेयर कैंसल्ड, मतलब कि जो ओवर आया उसमें से 5,000 शेयर को कैंसिल कर दिया गया, ठीक है यहाँ तक। आगे है एंड अमाउंट रिफंडेड, और उसका जो अधिक आया था कैंसिल कर दिया गया 5,000 शेयर को, और कैंसिल करने के साथ उसका पैसा को भी लौटा दिया गया, ये क्वेश्चन में कह भी दिया और नहीं भी कहता, तभी हम लोग जानते हैं कि रिजेक्ट वाला यानी कैंसिल वाला का जो पैसा है वो पूरे तरीका से लौटा दिया जाता है कि नहीं। आगे क्या है, करें रिमेनिंग एप्लीकेशन वी आर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, और जो बाकी का शेयर बचा उसको अलॉट किया गया प्रोराटा बेसिस पर किया गया, ठीक है, प्रोपोर्शनल रूप से। नेक्स्ट है एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज यूज्ड फॉर अलॉटमेंट, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा जो पैसा आया होगा उस पैसा का यूज कहाँ पे किया जाएगा, नेक्स्ट वाले इंस्टॉलमेंट में, यानी नेक्स्ट यानी क्या बताया है, अलॉटमेंट में बताया है, ठीक है। जो आगे का जो इंस्टॉलमेंट होगा उस इंस्टॉलमेंट में एक्सेस मनी को यूज किया जाएगा, यानी एडजस्ट किया जाएगा। आगे है मोहन हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर कुड नॉट पे अलॉटमेंट, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख लेना है, जो हम आपको कल बताए थे शायद क्वेश्चन नंबर 11 के ए में, कि देखिए ये 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है लेकिन थोड़ा सा ओवर सब्स्टिट्यूशन में, यानी फॉरफीचर वाला खास चैप्टर में जो ओवर सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक होगा उसमें एक न्यू टॉपिक को ऐड करेगा, जो कि यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो समझिए कि 50% सॉल्व हो गया। देखिए यहाँ पर एरियर जो कर रहा है कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, इसी बात को आपको समझना है। कर मोहन हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर कुड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी एंड हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड, ऑल दिस शेयर वेयर रीइशूड 8 रुपीज पर शेयर एज फुली पेड अप। यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आया कि मोहन जो है अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एरियर करता है, और एरियर करने के कारण उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया और फिर उसे रीइशूड भी कर दिया गया और जिसे 8 रुपया में बेच दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात यह है समझना कि मोहन कितना का शेयर होल्डर यानी कितना का मालिक है, ये आपको पता करना होगा पहले। तो बताइए यहाँ पर समझोगी करीना, ठीक है, मोहन कितना का शेयर अप्लाइड किया है, 2,000 का शेयर अप्लाइड किया था ना, तो बताइए क्या वो 2,000 का मालिक है क्या, अप्लाइड वो किया है 2,000, बात समझना गुलनाज, वो अप्लाइड किया है 2,000, ठीक है।
अभी देखिए अप्लाइड कितना किया है शेयर होल्डर, 25,000 किया है कि नहीं? 25,000 में से 5,000 को रिजेक्ट कर दिया गया, बचा 20,000 शेयर होल्डर। 20,000 में से कितना शेयर होल्डर को कंपनी रखेगी? 10,000 को ना, और 10,000 का ओवर हो गया एक तरह से। तो 10,000 को जो कंपनी दिया है किसको किसको ना दिया है, उसमें से मोहन को भी दिया होगा। तो मोहन का मोहन एक्चुअली कितना का मालिक बना है? मोहन अप्लाइड कितना किया था? 2,000 का किया है। तो उसे मालिक कितना, यानी कि वो मालिक कितना का बना, वो कितना का शेयर होल्डर बना एक्चुअल, ये ना पता करना होगा। वो 2,000 का मालिक नहीं है ना, अप्लाइड किया। देखो वहाँ पे अप्लाइड लिखा हुआ है कि हु अप्लाइड, वो कितना का किया था? 2,000। और बाकी वाला क्वेश्चन में आप देखेंगे तो जो एरियर कर रहा है, चाहे मोहन सोहन जो भी व्यक्ति एरियर कर रहा होगा, वहां पर लिखा रहता है एलॉटेड शेयर की, जैसे वहां पर लिखा रहता कि मोहन, मतलब मोहन को अलॉटेड फॉर 2,000 शेयर, मतलब कंपनी की तरफ से कंफर्म कर दिया गया था या कर दिया गया है कि मोहन को 2,000 शेयर अलॉट कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि मोहन 2,000 का मालिक बना, उसे अप्लाइड किया था मोहन, लेकिन कंपनी ने कितना अलॉट किया है ये पता हम लोग को भी नहीं है। ये पता करना पड़ेगा कि कितना का ओनर बना है। आप पिछले वाला क्वेश्चन में इस समय अगर देखेंगे तो देखिए वहाँ जो एरियर करता है वहाँ पर साफ साफ बोल देता है कि श्याम टू होम 200 शेयर वेयर अलॉटेड, लिखा हुआ है कि श्याम को 200 शेयर अलॉट कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर अलॉट नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ बोला है कि मोहन ने अपना अप्लाइड किया है। अब कंपनी अगर अप्लाइड किया है, अब देखिए 25,000 शेयर का आया कि नहीं अप्लीकेशन, 25,000 में कंपनी 5,000 को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, अब 20,000 शेयर बचा कि नहीं, अब 20,000 में से कौन कौन व्यक्ति कितना अप्लाइड किया, कंपनी किसको कितना दिया। कंपनी तो ओनली 10,000 शेयर अलॉट करेगा ना, तो किसको कितना कितना दिया ये तो पता नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे एक जो व्यक्ति है मोहन जो अप्लाइड किया 2,000 शेयर, उसको कितना का शेयर दिया गया ये आपको पता करना होगा। और नहीं अगर हम पता कर पाएंगे तो फिर आपका एरियर आप कैसे कैलकुलेट कर पाइए, क्या एरियर पता चलेगा? एरियर जब कैलकुलेट करेंगे तो 2,000 से नहीं ना कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका नया जो टॉपिक ऐड हुआ है बस यही ऐड हुआ है, लास्ट वाले क्लास में हम लोग जैसा बनाए वैसा ही बनेगा। खाली आपको यहाँ पर एक नया ऐड क्या करना है कि मोहन का पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल वो कितना का शेयर होल्डर बना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन इसको लिखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ये भी बनेगा पूरा। चलिए क्वेश्चन को आप ध्यान से रखेंगे और यहाँ पर बताइए क्या क्या है। पहला इशूड शेयर ना, इशूड इशूड शेयर नहीं दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, इशूड शेयर 10,000 और एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। प्रीमियम है ना, एट प्रीमियम कितना हो जाएगा, यहाँ दिख रहा है गुलना जी को, एट प्रीमियम कितना है, 1 रुपया प्रीमियम है, ठीक है। यानी एक तरह से ये 10% है जिसमें से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1 रुपया प्रीमियम आ जाएगा। एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, समझो कि यही इसी तरह का टॉपिक आपका एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। भले वहाँ मोहन की जगह सोहन हो जाए, नाम चेंज हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये टॉपिक आपका क्वेश्चन 8 नंबर का एक पूछेगा, ठीक है। सब अपने जगह पर अलग अलग लेवल पर अलग अलग नंबर बन जाता है। आप ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ेंगे तो ही एक क्वेश्चन 20 नंबर का बनता है, इतना ही बनाने में, समझ रहे हैं। अप्लीकेशन, अप्लीकेशन पर कितना है फटाफट बोलिए, करीना बोलो, 4 रुपीज़, तो यहाँ पर 3 रुपये करेंगे। सभी लोग एकदम ध्यान से इसको समझेंगे, ठीक है, 1 रुपया प्रीमियम। चलिए नेक्स्ट बताइए कितना है, 4 रुपीज़, इसमें प्रीमियम नहीं है ना, प्रीमियम वहीं पर हो गया अलॉटमेंट। नेक्स्ट
फर्स्ट एंड फाइनल को ना, चार तीन सात तो 3 रुपया हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा, टोटल 10 रुपया हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 25,000 शेयर, ये बोला। अब हम लोग वर्किंग बनाते हैं अप्लाइड का, एलोटेड का और एडजस्ट और रिजेक्टेड का। अप्लाइड कितना आया 25,000 शेयर, एलोटेड कितना करना है मान ली 10,000 शेयर, और एडजस्ट रिजेक्ट कितना हो जाएगा 15,000 शेयर। पहला केस में क्या बोला कि 5,000 शेयर को एप्लीकेशन फॉर्म कितना है, देख रहे 25,000 है ना, इसमें से कंपनी निकाला 5,000 शेयर को पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया गया, यहाँ पे एक भी शेयर अलॉट नहीं किया गया 5,000 शेयर को, तो पूरा पैसा लौटा दिया जाएगा किस रेट के हिसाब से, एप्लीकेशन का रेट के हिसाब से कितना 3-4 रुपया के हिसाब से। आखिर ये व्यक्ति पैसा दिया होगा, प्रीमियम लगा के ना पैसा दिया होगा, 4 रुपये के हिसाब से पैसा दिया होगा, तो 5 और 20 रुपये पूरा लौटा दिए बैंक के नाम से, जो पैसा आया होगा मेरा डेबिट में अब वो क्रेडिट कर देंगे, ख़त्म हो गया पैसा। अगला केस में अब बचा 20,000 फॉर्म बचा 20,000, अब वहाँ पे नहीं बताया बुक में, लेकिन जो बाकी रिमेनिंग बचा उसको एडजस्ट किया गया है, तो हम लोग भी जान रहे कि बाकी बचेगा उसको तो बाकी में से तो देना ही पड़ेगा ना, तो बाकी में से 10,000 शेयर को अलॉट करेगी कंपनी, अब बाकी जो 10,000 बचेगा उसको एडजस्ट किया जाएगा कहाँ पे, अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, यानी ओवर हो जाएगा इस 10,000 शेयर होल्डर का पैसा एडवांस रहेगा, और कितना एडवांस 4 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपया एडवांस रहेगा, है कि नहीं। कौन सा शेयर होल्डर का 40,000 रुपया है, 10,000 शेयर होल्डर का है, क्लियर। अब यहाँ पर आपको एक रेशियो पता करना है, क्या रेशियो पता करना है पता है, देखिए अगर रेशियो पता करेंगे 3 जीरो कटेगा इस तरह, 1 जीरो कटेगा इस तरह, क्या आ गया 2:1 आ गया, मतलब जो 2 मांग रहा है उसको कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, यही हिसाब चल रहा है ना, जो मांगेगा 4 उसको कितना देंगे 2, जो मांगेगा 8 उसको देंगे 4, बस समय यही रेशियो चल रहा है ना, तो जो मांगा होगा 2 उसको कितना कंपनी दिया 1, तो बताइए अब समझ में आ गया कि नहीं, जो मोहन कितना मांगा शेयर अप्लाइड कितना किया 2,000, तो उसको कितना दिया होगा 1,000, 1,000 का मालिक बना होगा वो, आया समझ में। तो हम लोग उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यहाँ तो सिंपल लग रहा 2,000 के हिसाब से था इसीलिए जान गए, ठीक है, लेकिन फार्मूला में कैसे अगर निकालना चाहेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे अलॉटेड, क्या निकालेंगे ये वर्किंग नोट है, अलॉटेड शेयर टू मोहन, मोहन को कितना शेयर अलॉट किया गया है, तो कितना किया गया देखिए 2,000 का है ना एप्लीकेशन यानी अप्लाइड, तो इसको भागा कितना से लगा देंगे, ये देखिए अप्लाइड है ना, तो अप्लाइड का रेशियो है ये, तो 2 से भागा लगा देंगे, ये 2,000 अप्लाइड का रेशियो है ना ये, तो 2 से भागा लगा दे, हमको क्या पता करना है एलोटेड वाला रेशियो पता करना है ना, तो एलोटेड वाला से इंटू कर देंगे 1 से, तो आ जाएगा देखिए 2×2 यानी 1,000, यानी आप पता चल गया कि मोहन कितना का मालिक बना है 2,000 का भले मांगा वो, लेकिन ओनर कितना का है 1,000 का ओनर है वो, और तब वो 2,000 का मांगा था वो, तो 1,000 के हिसाब से उसका पैसा एडवांस है कि नहीं, है कि नहीं है पैसा। अगर आप इतना समझ गए तो हमको लगता है कि बाकी जो लास्ट क्वेश्चन पढ़े होंगे तो बन जाएगा आपसे, क्या नहीं बनेगा, बन जाएगा, मेन चीज़ तो हम बता दिए, चलिए बनाते हैं। देखिए पहला ध्यान से बनाना है क्योंकि बहुत एंट्री बनेगा है ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फॉरफीचर रीशूट भी किया जा रहा है, पूरा एंट्री बनेगा। देखो परेशानी तो है बहुत, बैंक अकाउंट डेबिट और 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आराम से बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा।
एप्लीकेशन कितना से 25,000 से आया होगा, कितना कैरेट से 4 के हिसाब से आया होगा, इनटू कर देते हैं 25 चौका 100 होता है ना, 25 चौका 100 यानी 1,00,000 रुपया क्या हो गया। एकदम ध्यान से आप लोग भी देख लो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट का, ठीक है, उसके ख़त्म। फिर होगा शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट, डेबिट और प्रीमियम भी है ना इसमें, तो देखिएगा शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये यहाँ तक हो जाता है वास्तविक, लेकिन कुछ पैसा को एडजस्ट किया जा रहा है, जो अधिक पैसा आया है ना, आना चाहिए तो 10,000 के हिसाब से, लेकिन अधिक आ गया है पैसा, तो वो अधिक जो पैसा आया है उसको क्या करेंगे, यहाँ बताएंगे ना कि कुछ पैसा को रिजेक्ट कर दे रहे हैं और कुछ पैसा को एडजस्ट कर रहे हैं। देखिए तो बैंक से लौटा दिया जाएगा कितना पैसा को, 5,000 शेयर होल्डर को। देखिए अगर यहाँ पे पूरा 1,00,000 आना चाहिए ना, लो यहाँ पे कर दिए, और शेयर कैपिटल में वास्तविक होगा कितना से, 10,000 शेयर से, कितना का रेट से 3 रुपया, और 10,000 शेयर इंटू 1 रुपया, और रिजेक्ट कितना, 5,000 शेयर इंटू 4 रुपया, और एडजस्टमेंट कितना होगा। देखिए पूरा का पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा या होगा या नहीं होगा, इसका भी हम लोग चेक करते हैं कि नहीं। देखिए इसका 40,000 रुपया है ना एडवांस, कौन ला शेयर होल्डर को, यहाँ आप देख रहे हैं ना, यही देखे थे ना, देखिए ये है एडवांस है ना, ये एडवांस, एडवांस 40,000 रुपये एडवांस है। अभी 10,000 शेयर होल्डर को अलॉटमेंट में कितना पैसा मांगा जाएगा, 40,000 मांगा जाएगा ना, तो 40 का 40 पूरा एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं, मतलब फर्स्ट कॉल में भी और पैसा एडजस्ट नहीं होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर पूरा लिख देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, आप यहाँ पे इनटू भी कर सकते हैं या डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। तो कितना के हिसाब से, 10,000 के इनटू हिसाब से 4 रुपया, अब देखिए आ जाएगा अपने यहाँ 30,000 हो जाएगा, यहाँ 10,000 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 40,000 आ गया, देखिए 1,00,000 आया कि नहीं, 40 और 20 60 70 80 90 100 हो गया, मतलब जो पैसा एक्स्ट्रा आया उसको एडजस्ट और रिजेक्ट कर दिए, उसका काम कर दिए। अब आगे चलते हैं नंबर 3, क्या होगा फिर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना सो जाएगा आप गुलनाज, तो अब 10,000 से होगा ना, और अलॉटमेंट का कितना रुपया है, 4 रुपया, यानी 40,000 ड्यू हो जाएगा। एरियर कर रहा है ना यहाँ पर मोहन, एरियर कर रहा है। नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और 2 एरियर का भी दिखा दें, चलो अच्छा दिखा देते हैं, माइनस भी करके डायरेक्ट आप दिखा सकते हैं, ठीक है, कॉल सीन एरियर अकाउंट, और 2 हो जाएगा शेयर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए 40,000 ड्यू है कि नहीं, 40,000 ड्यू है। अब 40,000 में से 40,000 ड्यू है और 40,000 में से एडजस्ट भी कितना हो रहा है, 40,000 रुपया हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, पूरा का पूरा नील हो जा रहा है, क्या हो जाएगा, पूरा नील हो जाएगा रहा है, मतलब कहने का है कि मोहन एरियर कर ही नहीं रहा है, मोहन यहाँ एरियर कर ही नहीं रहा है, कर तो रहा है ऐसा बात नहीं कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखे उसका पैसा इतना है कि वो एरियर नहीं किया। अब चेक करना है, चेक करो शायद गलत हो जाए क्या,
देखिए मोहन 1000 का मालिक है कि नहीं, 1000 का मालिक है ना वो, तो 1000 के हिसाब से उसको अलॉटमेंट में कितना पैसा मांगा जाएगा, 4 ही रुपया ना, 4 ही रुपया ना मांगा जाएगा उसको, तो 4 रुपये के हिसाब से कितना बनेगा उसका, 4000 रुपया बनेगा। अब उसका एडवांस कितना है पैसा, 1000 के हिसाब से ज़्यादा दिया है, 2000 का अप्लीकेशन किया था वो, अप्लीकेशन अप्लाइड कितना का किया था, 2000, तो 1000 के हिसाब से ज़्यादा अप्लाइड किया था। और देखिए अप्लीकेशन का भी दाम कितना था, 4 रुपया था, तो बताइए 1000 के हिसाब से ज़्यादा किया था, मतलब कि 2000 का अप्लाइड किया था शेयर, तो पैसा कितना दे दिया, 8000 रुपया दिया होगा, तो 4000 रुपये तो उसका शेयर बन गया, तो 4000 रुपये उसका काम का हो गया, 4000 रुपये तो एक्स्ट्रा है कि नहीं, 4 रुपया एक्स्ट्रा है ना, तो 4000 एक्स्ट्रा है, तो 4000 रुपये ही इसका तो ड्यू बनता है अलॉटमेंट में, 4000 रुपये ही अलॉटमेंट में ड्यू बनता है ना, तो बताइए एरियर तो कर रहा था 4000, लेकिन 4000 उसका ड्यू भी बनता है अलॉटमेंट में, तो एरियर किया नहीं किया, आप निकाल के भी देखेंगे, देख सकते हैं 40000 पूरा एडजस्ट हो जा रहा था, एरियर कहाँ कर रहा है वो, तो यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा, वो नील हो जाएगा, बात समझे। हाँ लेकिन ये 4000 पे एडजस्ट तो हो गया यहाँ पे, लेकिन क्या ये भी फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट होगा क्या उसका पैसा, जितना भी यानी 10000 कहिए कि 10000 शेयर होल्डर जो मालिक बना है, 10000 शेयर होल्डर का एडवांस सबका पैसा डबल था, नहीं सबका पैसा एडवांस डबल था कि नहीं, देख रहे 10000 शेयर 10000 के हिसाब से एडवांस है सब लोगों का, इसीलिए पूरा का पूरा पैसा एडजस्ट हो गया। लेकिन यही फर्स्ट और फाइनल कॉल में ऐसा होगा क्या, एक ही बार ना पूरा एडजस्टमेंट होगा ओवर का, आगे चलकर वो एरियर करेगा। चलिए आप देखिए यहाँ पर इसका ये लो हम हटा देते हैं, क्वेश्चन है ये नहीं हटा रहे, पिक कर लो ठीक है, टाइम रहता है उसको फटाफट देख के पिक कर लो। नंबर 5, शेयर दिख रहा है, शेयर फर्स्ट एंड शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना से होगा, 10000 इंटू कितना रुपया था, 3 रुपया था, यानी 30000 पे यहाँ पे सभी को मांगा जा रहा है, यहाँ पर तो एडवांस नहीं होगा सभी का, जो भी पैसा एडवांस था भैया अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर भी एरियर कर रहा है ना वो मोहन, तो यहाँ तो होगा, यहाँ तो एडवांस पैसा कुछ नहीं है, कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मिलना कितना चाहिए, 30000, मिलेगा नहीं 30000, एरियर कर रहा है 1000 शेयर होल्डर, ठीक है 1000 शेयर होल्डर एरियर कर रहा है, और 3 रुपये के हिसाब से 3000 रुपया एरियर कर रहा है, तो रिसिप्ट कितना होना चाहिए, 27000 रुपये रिसिप्ट होना चाहिए। ये हो गया, आप लोग पिक किए इसको, हो गया है। नंबर 7, अब बनेगा फोरफिच का ना, फोरफिचर एंट्री, फोरफिचर कितना शेयर किया जा रहा है, 1000 शेयर, एंट्री बनेगा शेयर अकाउंट डेबिट, कहाँ पर एरियर कर रहा है वो, अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में, तो अलॉटमेंट में एरियर कर रहा है क्या, कर तो रहा था, लेकिन चेक पता चला तो इसका पैसा एडवांस था, तो एरियर नहीं किया, तो अलॉटमेंट का होगा क्या, नहीं होगा, सिर्फ होगा 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा, और 2
फॉरफीचर अकाउंट हो जाएगा, होगा। यहाँ पर लिखते हैं फॉरफीचर शेयर, तो कितना फॉरफीच शेयर कर रहे हैं, 1000 कॉल्ड अप अमाउंट, इसको मांगा कहाँ तक गया है, फाइनल कॉल तक, यानी 10 रुपया हो जाएगा, 10000 हो जाएगा। एरियर कितना कर रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 3000, तो फॉरफिट हो जाएगा 7000 हो जाएगा। आगे बनेगा अब क्या चीज का एंट्री, 8 नंबर रीइशूट का ना, रीइशूट। और रीइशूट कितना शेयर किया जा रहा है, तो पूरा का पूरा, यहाँ पर ये नहीं बताया कि 1000 में से 600 शेयर को रीइशूट कर रहे हैं, बताया है क्या, देख लो करीना, कहीं पर ऐसा बोला है क्या, खाली रेट बताया कि 8 रुपये में हम बेच रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया पार्शियल रीइशू नहीं है, पार्शियल रीइशू नहीं है, पूरा का पूरा शेयर रीइशूट किया जा रहा है, यानी जितना फॉरफिट हुआ उतना रीइशूट किया जा रहा है। रीइशूट 1000 एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर शेयर। एंट्री बनता है बैंक डेबिट, और डिस्काउंट पर बिका है 2 शेयर कैपिटल अकाउंट होगा। यहाँ पे रियल होगा 1000 इंटू 10 रुपया, आना चाहिए कितना 10000 रुपया आना चाहिए, लेकिन बेचा कितना हो गया है 8 रुपये में बेचा गया, तो कितना पैसा आया होगा 8000, तो 2000 रुपये क्या हो गया डिस्काउंट हो गया 2 रुपया। और लास्ट जो बनेगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का अमाउंट, कौन सा अमाउंट, तो फॉरफिच अमाउंट, फॉरफिच कितना किया गया है 7000। तो लिखिए, दिख रहा है यहाँ पर शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट एट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और आप लोग जानते हैं कि डिस्काउंट पर हुआ है ना, नुकसान हुआ है, तो पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं होगा 7000 क्या, तो 7000 इंटू सॉरी 7000 में माइनस कर देंगे 2000 रुपया, तो कितना बचेगा, 7 में 2 माइनस करेंगे तो 5000 रुपया कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये आपका कंप्लीट एंट्री हो गया, ठीक है, आंसर है, चलिए है आंसर, आए समझ में। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी आप रिवीजन करोगे तो ये क्वेश्चन को जरूर रिवीजन करना है, और ख़ास करके जो अप्लाइड किया था मोहन उस चीज़ को जरूर समझना है, ठीक है, चलिए।